देखिए यहाँ सजा है राखियों का बाजार और बड़ा ही त्योहार वाला माहौल चल रहा है। नहीं कुछ इस तरह का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, नैनीताल से एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज है थर्सडे का दिन और डेट है आज 17 अगस्त। तो आज के मौसम की अगर बात करें नैनीताल की, तो सुबह बहुत ही शानदार मौसम था, बहुत ही खूबसूरत सा, और धूप खिली हुई थी बहुत ही अच्छी सी। पर अभी बादल हो गए हैं, तो एक बार आपको पहले मौसम दिखाती हूँ। तो देखिए, दिन का 3 बजा है और बादल आ चुके हैं बारिश वाले। तो आज वैसे अलर्ट भी बताया गया है बारिश का 19 तारीख तक, तो बारिश होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कौवे उड़ते हुए। तो ऐसे कौवे जब उड़ते हैं बहुत सारे, तो लगता है कि बारिश होगी, बारिश का संदेशा लेकर आते हैं। वैसे अगर जाड़ों में आते हैं तो ऐसा मानते हैं कि बर्फ़ पड़ेगी, तो फ़िलहाल तो बर्फ़ के चांसेस नहीं हैं, बारिश के ही हैं। तो क्या पता बारिश पड़ जाए आज, 2-3 दिन से पड़ी भी नहीं है। तो देखिए बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं और बारिश के फुल चांसेस हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ चल रही है घास की कटाई वाला काम, क्योंकि ये साफ़ सफाई होने भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए लोग यहाँ पे मेहनत करते हुए लगे हैं साफ सफाई में। तो दोस्तों, नैनीताल में बारिश शुरू हो चुकी है, शाम का 6:30 हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बने रहिएगा वीडियो में और आपको मैं बताऊंगी मौसम कैसा रहता है। तो फिलहाल देखिए बारिश शुरू हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नीचे। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे रिहर्सल किस चीज़ की, तो मैं थोड़ा सा आज आपको क्लिप्स भी दिखाऊँगी। देखिए बारिश में लोग आइसक्रीम इंजॉय करते हुए, और फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मौसम आज ख़राब हो चुका है। 2 दिन के बाद आज बारिश हुई है, तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही थी। और देखिए, जूस पीने के शौकीनों के लिए नैनीताल की बड़ी ही पुरानी दुकान है चौधरी हेल्थ बार, और यहाँ पे मिलते हैं बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर्ड जूस। तो कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि यहाँ पर जूस भी मिला करते हैं, क्योंकि बचपन में बड़ा शौक होता था जूस और मैंगो शेक वगैरह सब पीने का, तो यहीं से पिया करते थे। तो चलिए चलते हैं बाज़ार से क्रॉस होते हुए और मार्केट के नज़ारे लेते हुए। देखिए यहाँ सजा है राखियों का बाज़ार और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत राखियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो ये देखिए इस तरह की राखियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सी। तो थोड़ा सा आगे से लाइट में दिखाती हूँ। तो ये देखिए राखियाँ यहाँ पे बहुत ही तरह तरह की राखियाँ हैं, सामने वाली बड़ी ही सुंदर सी लग रही है। और इधर भी देखिए, तो देखिए नैनीताल में आपको हर जगह राखियाँ मिलेंगी और फिलहाल यहाँ पे मिले हैं अनवरदा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप? बढ़िया हैं, बढ़िया। तो अभी कहाँ हो रही है घुमाई आपकी? मैच देखा है। चलिए थैंक यू। कैसे चल रही है रिहर्सल? बहुत बढ़िया चल रही है। गुड लक है। चलिए थैंक यू सो मच, आइएगा ज़रूर। और यहाँ पे देखिए राखियाँ, एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको इधर भी। तो ये है गुलाटी गिफ्ट हाउस, और यहाँ पे भी हैं बहुत ही सुंदर सुंदर सी राखियाँ। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी है। अंकल ये वाली राखियाँ कितने की हैं? अंकल ये वाली राखियाँ कितने की हैं? तो देखिए बड़ी ही सुंदर सी राखियाँ और बिल्कुल सस्ते दामों में 40 रुपीज़ ईच आपको मिलेंगी। और ये मिलेंगी आपको गुलाटी गिफ्ट हाउस नैनीताल में। और बैठे अंकल हमारे प्यारे प्यारे अंदर, अंकल आंटी दोनों हाथ हिला दीजिए। थैंक यू। बड़ा ही त्योहार वाला माहौल चल रहा है नैनीताल में। तो ये देखिए मार्केट की सैर करा रही हूँ मैं आपको। ये है बड़ा बाज़ार जो हमारी हेरिटेज मार्केट है, और मौसम दिखाती हूँ एक बार। देखिए तो बड़ा ही पिंकिश पिंकिश सा मौसम हो गया है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का आसमान। तो ये है टिपिकली पहाड़ी बाज़ार हमारा, और बच्चे भी वीडियो में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको मेहरोत्रास। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स मिलती हैं, तो अगर आपको कैंडल्स लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे कैंडल्स मिलती हैं, और किसी दिन मैं आपको डिटेल में यहाँ का वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं भागती हूँ क्योंकि रिहर्सल का टाइम है, और हाँ रिहर्सल की क्लिप्स भी आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए खड़ी बाज़ार भी बड़ी ही सुंदर सी लग रही है, और छाते खुल चुके हैं लोगों के बारिश की वजह से। तो चलिए आज मैं चलती हूँ दूसरी वाली साइड से। तो दोस्तों ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं शारदा संघ वाली गली, क्योंकि ये बड़ी ही छोटी सी संकरी सी एक गली हुआ करती थी। अभी तो यहाँ पर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बन गई हैं, लेकिन पहले बड़ा ही अलग सा सुनसान सा ये रास्ता हुआ करता था। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें उकानें खुल गई हैं, वैसे पुराने पुराने घर हैं लोगों के यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल कुछ छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं वो भी खुल चुकी हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है कोमल ढाबा, और साथ में कुछ कपड़ों की दुकान भी है। और ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है ऊपर, वो है शारदा संघ, जहाँ हमारी रिहर्सल होती है। और आसमान का कलर देख सकते हैं आप, बड़ा ही पिंकिश पिंकिश सा अलग सा कुछ हो रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और इसी गली में एक और बड़ी ही ख़ास सी दुकान है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, देख देख के जाना पड़ रहा है, अगर पैर ज़रा सा हिल गया तो चोट लगने के काफ़ी चांसेस हैं। तो फ़िलहाल देखिए ये है वो दुकान, कैफ़े UK04। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी जगह पे, और बड़ा ही क्यूट सा ये वेंचर है। वो यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, केक्स और स्नैक्स वगैरह सब मिल जाता है, पेस्ट्रीज़ केक्स वगैरह। और बहुत ही छोटा सा कोजी सा ये कैफ़े है, लेकिन बहुत पसंद आएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। और इसी के बगल में स्टोर भी है। तो ये है देखिए कैफ़े UK04। तो UK04 का मतलब होता है यहाँ का जो व्हीकल नंबर है वो UK04 से शुरू होता है, इसलिए इस कैफ़े का नाम भी है UK04। और उसी के साथ चाइनीज़ किचन मैंने आपको परसों भी दिखाया था। तो सामने का मौसम देख सकते हैं आप, कितना ही अलग सा कुछ कलरफुल सा आसमान हो रहा है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे ये। देखिए आपको भी दिखाती हूँ। तो तारों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, और आसमान के कलर की तरफ ध्यान दीजिए, बड़ा ही सुंदर कलर हो रहा है इस टाइम आसमान का। बहार कि इस पार उस पार दार दार फल लग गए, बात बात फूल खिल गए। ये पंचाचूली की बरसरी में जहाँ बंदर और लंगू घिंगारों और हिसारों को तरसते थे, इच्छम इच्छम नाचते और थैया थैया थिरकने लगे कि जन्म जोगी करम जोगी देवों का चित्त चलाए मान हो गया। तो दोस्तों ज़बरदस्त बारिश है नैनीताल में, बहुत ही तेज़ बारिश, और अभी अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, तो अभी निकलने लायक हुई है। अगर अदरवाइज़ अभी इतनी तेज़ बारिश थी कि सब बह जाएगा ऐसा लग रहा था। फ़िलहाल अभी हल्की हो गई है तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए हैं हम लोग भी, क्योंकि निकलना मुश्किल हो गया था। और ये देखिए अकरमदा वहाँ से हाथ हिलाते हुए, तो ये अकरमदा हैं हमारे प्रिय नासिरदा के बड़े भाई साहब, और साथ में अमित शाह जी भी हैं। तो ये बारिश को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं दोनों मुझे यहाँ पे। बारिश को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बारिश से बचने के लिए फंसे हुए हैं। तो अभी तो बहुत तेज थी, अभी थोड़ा हल्की हो गई है। अभी मैं उनको दिखा रहा था भाई साहब को कि दिल्ली 6 जैसा ये हो गया माहौल यहाँ पर पूरा। हाँ हाँ, चेंज हो गया है, काफ़ी चेंजेस आ गए नैनीताल में। सही हो रहा, ठीक है ठीक है, खाने को मिल रहा है, बढ़िया है। तो चलिए निकलते हैं, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है क्योंकि। तो एक बार फिर से आज बारिश का मज़ा लेते हुए चल रही हूँ मैं घर की तरफ, और आजकल बहुत ही देर हो जा रही है रिहर्सल में, तो बड़ी ही दिक्कत हो जा रही है क्योंकि अब शो को टाइम बहुत ही कम बचा है फिलहाल इस टाइम पे, क्योंकि बारिश का दिन है। तो खड़ी बाज़ार बड़ी ही खूबसूरत लगती है, शांति और सुनसानी छाई है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत
खूबसूरत सा, तो यहाँ चल पड़े हमारे साथी कलाकार भी। तो आज सबके छाते वापस निकल गए हैं क्योंकि दो दिन से मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन अभी फिर से बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम करते हैं वीडियो को एंड और बारिश को एंजॉय करते हुए मैं जाती हूँ घर की तरफ। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।